मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद भी दो राज्यों मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को जोड़ने वाली प्रमुख मार्ग की प्रतिदिन हजारों की संख्या में गाड़ियों का आवागमन होता है। सिंगल रोड होने के कारण हर समय दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। इस सड़क पर अगणित गड्ढे होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता द्वारा बार बार मांग और अवगत कराने के बाद भी सड़क का चौड़ीकरण नर्मदा से सालेहावारा तक लगभग 40 किलोमीटर तक का आज तक नहीं हो पाया है। सिर्फ सर्वे और आश्वासन हर वर्ष दे दिया जाता है। नर्मदा से सालेहावारा मार्ग को बनाना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहते हुए 20 वर्षों में सड़क का निर्माण नहीं हो सका। प्रदेश में सभी सड़कों का चौड़ीकरण हो चुका है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नर्मदा से सालेहावारा सड़क का अभी तक चौड़ीकरण नहीं हुआ है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में लगातार आक्रोश पनप रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। इस सड़क मार्ग से आगमन करने वाली जनता नाराज है, प्रशासन उनकी मांग पूर्ण नहीं कर पा रही है। नर्मदा से सालेहावारा मार्ग पर सिर्फ धूल उड़ते नजर आती है। छत्तीसगढ़ रायपुर से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। सालेहावारा रोड की समस्या के बारे में बताएंगे। नर्मदा सालेहावारा रोड में तो आए दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। रोड सकरा होने की वजह से, वो घाटी वगैरह की वजह से एक्सीडेंट होते ही थे। एक बार बहुत पहली सुनाई दे रही थी कि सांसद अपन अभिषेक सिंह जी है कुछ पैसा सेंक्शन भी करे करके, लेकिन अपन लग तो पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसी सुने रहें रोड के चौड़ाई के लिए पैसा सेंक्शन हुआ है, लेकिन अभी तक के कोई पता ही नहीं है उखर का है। तो यही सब समस्या होते सालेहावारा रोड में। आपके नाम? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।